सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मजमूई तौर पर 449 पोलिंग स्टेशन कायम, जिसमें से 292 इंतहाई हसास और 157 हसास करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 24 अजला में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 6,90,995 है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 63 नशस्तों पर उम्मीदवारों का चुनाव होगा। कराची, हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद, शिकारपुर, घोटकी, खैरपुर में वोटिंग होगी। नौशहरों, फिरोज और शहीद बेनजीराबाद में भी वोट डाले जाएंगे। सांगढ़, उमरकोट और टंडुअला यार में भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग होगी। मचारी, जामशोरों, दादो, बदीन, ठट्ठा, सजावल के शहरी भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची का मेयर कौन होगा, फैसला कराची की 11 यूसी से होगा। शहर कायद में 11 यूनियन काउंसिल्स और 15 वार्ड्स की 26 नशस्तों पर इंतखाबी मार्का। जिला बस्ती में न्यू कराची टाउन की 2 और नॉर्थ नासाबाद की 1 यूसी में पोलिंग होगी। कुरंगी, लांडी और शाह फैसल टाउन की 1-1 यूसी पर ज़िमनी इंतखाब होगा। जिला गरबी में और रंगी और 2 में मोमिनाबाद की 1 यूसी में ज़िमनी इलेक्शन होगा। किमाड़ी में बल्दिया टाउन की यूसी नंबर 2 पर पोलिंग होगी। जिला जनूबी में लियारी टाउन की यूसी नंबर 2 में वोट डाले जाएंगे। 14 मई को इंतखाबात नहीं तो एहतजाज, कप्तान का 2 टोक ऐलान। 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई, कातिलाना हमले हुए, किसी की परवाह नहीं की। इलेक्शन मुल्क की अहम जरूरत है, इलेक्शन के जरिए अवामी नुमाइंदों को आगे आने का मौका दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि कानून की हुक्मरानी के लिए जहाद कर रहे हैं। मुल्क में 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पंजाब के इंतखाबात में साजिश नजर आने लगी है। 14 मई को सिर्फ एक सूबे इलेक्शन से मुल्क कमजोर होगा, कहा हुकूमत पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराना चाहती है। नवाज शरीफ को बेबुनियाद मुकदमात में नाअहल किया गया, कायद नून लीग की नाअहली में साकिब निसार ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी हुकूमत की एक मरतबा फिर फुल कोर्ट की फरमाइश, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में दरख्वास्त दायर। मुतफरिक दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि माजी में आइनी नौयत के ऐसे मुकदमात के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिए गए। मुकदमे में आइनी नौयत के सवालात उठाए गए। दरख्वास्त में कहा गया कि इस्तदा का मकसद किसी जज को शामिल कराना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर विफाक का एतबार है। इलेक्शन है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आइन के मुताबिक है, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी अहकाम जारी करे। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि वो लोग जिन्होंने आइन तोड़ा, 90 दिन से आगे लेके गए सिस्टम, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पीटीआई ने 14 मई को इलेक्शन का फैसला न मानने पर सुप्रीम कोर्ट में दोहरी अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। बाबर आवाज ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन का फैसला आइन के मुताबिक है, आइन मुअत्तल नहीं तो शहरियों के हुकूक कैसे मुअत्तल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब मुदाखलत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें मिल बैठ कर सियासी इस्तेहकाम की कोशिश करें। चीनी वजीर खारजा की पाक, चीन और अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक मुजाकरात में बातचीत। चीन हर फोरम पर पाकिस्तान की मदद करता है, मुआशी दबाव कम करने के लिए भी मदद करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चीन ने हमारे कौमी मामलात बेशमूल कश्मीर पर हमारी हिमायत की है। सीपैक पाक चीन और आलमी सरमाकारों में सब के लिए मनसूबा के लिए मुफीद है। अफगानिस्तान की माश तरक्की के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मुजाकरात का अलामिया जारी। अलामिया में कहा गया है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी मालिक अफगान हुकूमत की मदद करें, इक्तिसादी तआवुन से ही खित्ते में गुरबत के मसले को हल किया जा सकता है। अफगान अवाम के मसाइल के हल के लिए मुंजमद अकाउंट्स खोले जाएँ। 71 साल बाद बरतानिया को बादशाह मिल गया, सल्तनत में जश्न का समा। शाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी बिलाखिर अंजाम पा गई। वेस्ट मिनिस्टर एबे में तारीखी रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया गया। आवाम की जानेब से बादशाह चार्ल्स का लंदन की सड़कों पर वालिहाना इस्तकबाल, फौजी सलामी पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक। अदलिया से सारे यकजहती, तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां, जमान पार्क की बड़ी रैली में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद शाह भी शरीक हुए।
रावलपिंडी में कारकुनों का जबरदस्त शोर शोखा रोष रहा। पेशावर में हशरब नारी तक रैली निकाली गई। कराची इंसाफ हाउस से काफिला निकला। फैसलाबाद, मुल्तान, पाकपतन, मंडी, बाहुद्दीन, मेलसी और हैदराबाद समेत कई शहरों में एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट बार एक इलेक्टेड बॉडी है। हमारा एक ही नज़्म व नज़म था कि जी हम बार की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करें, एंड सेकंडली है कि वी विल अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इसके बाहर तो नहीं जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो होता है वो हम पे भी बाइंडिंग है, आप पे, सब पे बाइंडिंग होता है। सिंध हाई कोर्ट ने बैरिस्टर आबिद जुबैरी को सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की हैसियत से बहाल कर दिया। आबिद जुबैरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार के मुअत्तल अराकीन का इजलास गैर आइनी है, फैसलों की कोई हैसियत नहीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की बातचीत कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल के रिमोट पर चलने वालों की रुकनीत मुअत्तल है, किसी को वकला को डिक्टेट करने की इजाज़त हरगिज नहीं दे सकता। इमरान खान के खिलाफ दर्ज पंजाब के तमाम मुकदमात की समाअत एक ही अदालत में की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का दरख्वास्त में कहना था कि इमरान खान की जान को खतरा लाहक है, 121 मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना सिक्योरिटी मसाइल का बायस है। इमरान खान 10 मई को पेश हों, दायरा इख्तियार और काबिल समाअत होने की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में दो दरख्वास्तें मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि आला अदलिया के फैसलों के मुताबिक मुलजिम केस की किसी भी स्टेज पर दरख्वास्त बरियत दायर कर सकता है। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इमरान खान और बुशरा बीवी को नैब के नोटिसेस गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा कि नैब के कॉल अप नोटिसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। नोटिस में नैब को बताना होगा कि किसी को बतौर मुल्ज़िम बुलाया या गवाह। नैब ने उसूल की पासदारी नहीं की। दुखियारी माँ की आहे, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। जबरी गुमशुदगी का 27वां रोज। पोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का तहा सुरागदम सकादलिया से उम्मीद है। दुनिया भर की इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दिया। अक़वामे मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंडिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेस मैन रेड शर्मैन का जबरी गुमशुदगियों पर इजहार तशवीश। मुल्क भर में आटा बहरान संगीन। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल पर इजलास का फैसला। मंगल को लाहौर में हंगामी इजलास तलब। 1437 फ्लोर मिल्स मालिकान शरीक होंगे। फ्लोर मिल्स पर छापों और कोचा बंद होने से पैदा होने वाली सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज आखिरी मैच खेला जाएगा। कौमी टीम ने क्लीन स्वीप पर नजर जमा ली। कीवीज भी जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज में 4-0 की बढ़तरी हासिल है। और लाहौर के सफारी पार्क में नए मेहमानों की आमद। नन्हे शेरों को देखने के लिए बच्चों का तांता बन गया। दो शेरनियों ने 6 बच्चों को जन्म दिया। सफारी पार्क में शेरों की तादाद 40 हो गई। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। About some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. United Nation ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।